अस्सलाम वालेकुम मीर साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। हमने सुबह सुबह आपका टाइम लिया, लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जब भी लाहौर तशरीफ लाते हैं तो इस शहर से ऐसी कौन सी यादें जुड़ी हैं जो आपको अपने शहर में जकड़ लेती हैं? जो लाहौर हमारे बचपन और जवानी में था उसके साथ तो हमारी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। अब उस लाहौर के काफ़ी सारे आसार जो हैं वो मिटा दिए गए हैं, कुछ आसार जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब ने मिटा दिए हैं और कुछ आसार जो हैं वो खुद ब खुद मिटते चले जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो लाहौर शहर है उसके साथ बहुत यादें वाबस्ता हैं। और जैसे ही मैं मोटरवे से जब फोकर न्याज बेग से हम नहर के साथ आते हैं तो नहर जो है इसके साथ हमारी बचपन और जवानी की बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। और ख़ास तौर पे अंदरून शहर भाटी गेट, वहाँ पे मैं सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर माल में पढ़ता था, तो स्कूल के ज़माने में हम भाटी गेट और आगे मोची दरवाज़ा इस तरफ बहुत घूमते रहते थे। फिर जब हम कॉलेज में आए तो वो जनरल ज़ियाउल्लाह का ज़माना था, तो उस ज़माने में हम MRD की तहरीक का हिस्सा थे, तो पुलिस के साथ आंग बिचोली होती थी, तो पुलिस जब हमें पकड़ने के लिए हमारे पीछे भागती थी तो हम अंदरून लाहौर की गलियों में घुस जाते थे। अच्छा, वो पकड़ नहीं पाती थी आपके। हाँ, तो मेरा जब भी कभी मेरे पास टाइम होता है तो मैं अंदरून शहर में हुलिया तब्दील करने की कोशिश करता हूँ, काली ऐनक टोपी लगा के, तो उन इलाकों में मैं घूमता रहता हूँ अकेला। सब ऐसी कौन सी यादें हैं जो शहबाज शरीफ की डेवलपमेंट के बाद ख़त्म हो गई? देखें, जो उन्होंने जो लाहौर में कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए तो यकीनन उनकी नीयत तो यही थी कि वो शहर में तरक्याती मंसूबे शुरू करें, लेकिन ये जो उन्होंने ये जो मेट्रो बस सर्विस शुरू की, जिसको मेरे ख्याल है लोग जंगला बस सर्विस कहते हैं, और ऑरेंज लाइन ट्रेन थी, तो उससे ना उन्होंने इतने ज़्यादा अंडरपास और इतने ज़्यादा पुल बना दिए कि जो बहुत से गैर ज़रूरी हैं। और उसकी वजह से मुझे याद है कि एक लाहौर बचाओ तहरीक शुरू हो गई थी। अच्छा। बहुत से जो पढ़े लिखे लोग हैं, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स यूनिवर्सिटी, FC कॉलेज यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के बहुत से जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये तहरीक शुरू की थी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लाहौर शहर की जो तारीख और उसका जो एक हेरिटेज है उसको मिटाना चाहते हैं। अच्छा। तो उसमें हमने भी अपनी आवाज़ मिला दी थी, हालांकि शहबाज शरीफ साहब से हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती भी है, लेकिन ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो जो लाहौर जिसको मैं जानता हूँ, तो हम जब ये नहर का जो पुल है इछरे वाला, वहाँ पे जब हम वहाँ से फिरोजपुर रोड पे लेफ्ट की तरफ मुड़ते थे, तो वहाँ से लेके और फिर उसके बाद इछरे के बाद मजांगचुंगी आती है, मजांगचुंगी के बाद फिर जो है वो जैन मंदिर आता था, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ग्राउंड आती थी, वहाँ से फिर हम फिर एक लेफ़्ट लेते थे और फिर हम सेंट्रल मॉडल स्कूल की तरफ जाते थे, फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ गया। तो अब आपने उस अच्छा फिर मुझे शॉर्टकट्स का भी पता था कि मुजंगचुंगी से अगर आप शादमान की तरफ मुड़ जाएं तो जल्दी पहुँच जाते हैं आप गवर्नर हाउस की तरफ। तो अब मैं वहाँ पर ना खो जाता हूँ। अच्छा। हाँ, वहाँ मुझे समझ नहीं आती किधर से राइट को मुड़ना है, किधर से लेफ़्ट को मुड़ना है। ऊपर एक वो चल रही है आपके, एक सड़क नीचे है, एक आपके ऊपर चल रही है, और यूनिवर्सिटी ग्राउंड थी जो अब पता नहीं लोगों को याद है कि ये नहीं याद, ये MU कॉलेज के सामने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे के मैंने बहुत क्रिकेट भी खेली हुई है और वहाँ पे तहरीक पाकिस्तान के बड़े जलसे भी होते रहे। वो यूनिवर्सिटी ख़त्म कर दी, वो यूनिवर्सिटी मतलब वो एक याद का एक बहुत बड़ा हिस्सा। हाँ, है वो यूनिवर्सिटी ग्राउंड जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की ग्राउंड थी। अच्छा, तो वो यूनिवर्सिटी ग्राउंड ख़त्म कर दी और फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो ग्राउंड थी उसको बेबी ग्राउंड कहते थे, वो भी उसके पास ही थी, वो भी ख़त्म हो गई। अब जो ओल्ड सिटी है वहाँ पर पहले ही खेलने के मैदान नहीं थे, प्ले ग्राउंड नहीं थी। दो बड़ी मशहूर क्रिकेट ग्राउंड जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब ने ख़त्म कर दी और वहाँ पर क्या किया, बसों का अड्डा बना दिया। अब नई जो हुकूमत आई है वो कहती है जी ये तो सारे का बस प्रोजेक्ट ही ठीक नहीं है, वो उसको अगर ख़त्म कर दें तो वो हमारी ग्राउंड से वापस नहीं आ सकती है। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि वो कम से कम और कुछ नहीं वापस आ सकता, वो दो ग्राउंड्स वापस आ जाएं, एक यूनिवर्सिटी ग्राउंड और एक बेबी ग्राउंड। अच्छा,
अच्छा जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप नहर के साथ आपकी काफ़ी यादें हैं, तो आप कॉलेज लाइफ में वो कौन से दोस्त थे जिनके साथ आप नहर पर चहलकदमी करते थे और सियासी बहस भी किया करते थे? आप कुछ दोस्तों के नाम बताएं। मेरे बहुत दोस्त हैं। असल में जो नहर है ना, उसके साथ सिर्फ कॉलेज का ज़माना नहीं बल्कि जो मेरे स्कूल का ज़माना है वो भी नहर के साथ ही गुजरा है। मैं क्लास वन से ले कर और क्लास एट तक न्यू कैंपस में एक यूनिवर्सिटी लेबॉर्टरी स्कूल है, अभी भी है वो, तो मैं उसमें पढ़ता था। वो बिल्कुल नहर के किनारे था और जब भी हमारी रिसेस होती थी, ब्रेक होती थी, तो ब्रेक के वक्त हम दौड़ भाग जो होती है, खेल कूद सारा, वो नहर के किनारे पे ही होता था। और उस वक्त नहर के सिर्फ इस साइड पे सड़क थी, दूसरी तरफ सड़क नहीं थी, वो कच्चा था। अच्छा। हाँ, वो सड़क बाद में बनी है। और वहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन होती थी, तो उस कैंटीन पे हम चाय पीते थे, सैंडविच खाते थे, समोसे खाते थे, और यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियाँ जो आपस में डेटे मार रहे होते थे उनको भी हम दूर से देखते थे। अच्छा, आपने कभी डेट नहीं मारी? मतलब बचपन में आप सब देखा करते थे? हम तो उस वक्त बच्चे थे ना स्कूल में। हम उस वक्त बड़े शुरू में बड़े हैरान होते थे कि ये एक लड़की और एक लड़का जो है ये आपस में क्या कर रहे हैं, ये हल्की इतनी हल्की बात कर रहे हैं आपस में, इतनी हल्की है, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता भी नहीं था कि वो डेट है? बाद में फिर पता चला ये क्या बातें करते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आके किसी से इश्क हुआ या उस वक्त भी आप सिर्फ किताबें ही पढ़ा करते थे? देखिए, हमारा जो स्कूल था उस ज़माने में वो को एजुकेशन स्कूल था, और क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में भी को एजुकेशन थी, हमारा स्कूल भी को एजुकेशन था, तो ये कोई इतना ज़्यादा जो है ना, वो आपको जब बचपन से ही आप लड़कियों के साथ पढ़ते हो तो आपको ना ये आपका ये प्रॉब्लम नहीं होता कि मैंने हाँ। और वैसे भी हमारी क्लास में, मुझे याद है हमारी क्लास में लड़कियां ज़्यादा थी, लड़के कम थे। फिर तो बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, और फिर हम जो है ना, वो लड़के जो हम आपस में थे, तो अगर 15 लड़के थे तो उसमें हम 5 लड़के बहुत शरारती थे, जो क्लास के सबसे शरारती लड़के। हम आपस में बड़े यूनाइटेड थे, हमारी अलहदा से पार्टी थी और हम बड़ी ख़तरनाक किस्म की शरारतें करते थे। और हमारी जो यूनिवर्सिटी के बड़े लड़के थे, हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते। उस ज़माने में बड़ी पॉलिटिक्स होती थी, हमें नहीं था पता ये आपस में एशिया सुर्ख है, एशिया सब्ज है के नारे लगाते हैं ये। अच्छा, आपस में अच्छा, तो हमें नहीं था पता एशिया सुर्ख है क्या है और एशिया सब्ज है क्या है, लेकिन वो जो था अक्सर औकात उनकी आपस में लड़ाइयाँ भी होती थी, सब कुछ होता था। तो हम कहते थे अच्छा ये जो है ना इसके पास, ये इसने उसको मारा है, तो ये जो है ना ये बहुत बहादुर आदमी है। बाद में पता चला कि वो बहादुरी नहीं थी, वो पागलपन था। वो एक जैसे गुंडागर्दी करते हैं आप स्कूल में उस तरह। तो वो उसका एक फ़ायदा ये था कि थोड़ा सा बचपन में पता चल गया कि ये एशिया सुर्ख है क्या है और एशिया सब्ज है क्या है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये भी पता चल गया कि ये जो वायलेंस है ये अच्छी चीज़ नहीं है। और साथ ही साथ ये भी पता चल रहा था कि ये जो डेटे मारने वाले हैं ना, ये पढ़ाई पे तवज्जो नहीं देते। और अक्सर का अंजाम अच्छा नहीं होता। ये तो अंडरस्टूड है, सही है, कि अगर आप पढ़ाई के दौरान नहीं करते हैं तो बिल्कुल अच्छा। अच्छा मीर साहब, आपको कभी किसी लड़की पे क्रश नहीं हुआ? असल में मैं देखे ना, जब मैं एट्थ क्लास में था तो मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन मैंने एट्थ क्लास में मैंने क्लब क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। और कॉलेज के ज़माने में क्रिकेट और पॉलिटिक्स पे ज़्यादा तवज्जो थी। तो जब हम यूनिवर्सिटी में पहुँचे तो यूनिवर्सिटी में कुछ ख़वातीन जो हैं, या लड़कियां आप कह लें, तो उन्होंने मेरे साथ दोस्ती करने की कोशिश की। और एक खातून थी, मुझे याद है कि वो मेरा डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक नहीं था, वो एक और डिपार्टमेंट से थी, तो उन्होंने मेरे साथ इतनी दोस्ती कर ली कि एक दिन वो मुझे अपने घर ले गई और अम्मी से मिलवा दिया। Nice. तो मैं उस वक्त साथ में काम भी करता था, मैं जर्नलिस्ट भी बन चुका था। अच्छा। तो उसने उस औरत ने, मुझे आज तक याद है कि उसने ना कोई मेरे से नहीं पूछा तुम कौन हो, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो सीधी आगे कहती है देखो ये सहाफ़ी जो होते हैं इनकी तो तनख्वाह बहुत कम होती है, तो तुम्हें फिर अगर जो है ना
उस बच्ची का अपनी का नाम लिया, अगर इसे शादी करनी है तो तुम्हें ना CSS करना पड़ेगा। अच्छा। मैंने कहा आपको किसने कहा कि मैंने इसके साथ शादी करनी है? अच्छा। ये तो मुझे चाय पिलाने के लिए लेके आई है, शादी मैंने तो नहीं करनी इसके साथ। मतलब जबरदस्ती का दिला बना रहे थे आपको। हाँ। अच्छा मीर साहब, कोई ऐसी शरारत जिसके बाद आपको फिर से डांट या मार पड़ी हो? ऐसे आप क्योंकि बता रहे हैं आप स्कूल में बहुत ज़्यादा शरारती। देखिए जो हम स्कूल में शरारतें करते थे ना, वो बड़ी अग्रेसिव शरारतें होती थी, और मुझे अक्सर शरारतें जो है ना उन पर बाद में नदामत होती है। वो शरारत से ज़्यादा वो ना कोई हंगामा राई टाइप चीज़ होती थी। अच्छा, कोई एक शरारत बताए ना, कोई इंटरेस्टिंग सी शरारत, ताकि आजकल के बच्चों को पता चले ऐसी शरारत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नहीं, बस ना ही करें तो बेहतर है वो। यानी कि ये एक शरारत ऐसी है जो शायद आपको लगे कि नहीं ये तो इतनी कोई ऐसी शरारत नहीं है जिस पे आपको नदामत हो रही है, लेकिन बाद में मैं जब मैंने होश संभाला, रियलाइज़ किया, तो मैंने कहा नहीं ये शरारत भी बहुत बुरी थी। मसलन हम कभी कभी, मेरा एक दोस्त है शाहिद अनवर, वो मेरे साथ स्कूल में भी पढ़ता था और हम क्रिकेट भी खेलते थे, तो हम स्कूल से फारग होके ना तो न्यू कैंपस से हम पैदल मॉलटोन आते थे, मॉलटोन क्लब, वहाँ पे हमारा नेट प्रैक्टिस होता था। तो रास्ते में आते हुए हम मॉलटोन का जो डी ब्लॉक है या ई ब्लॉक है, अगर इस रास्ते से आ रहे हैं या डी ब्लॉक, तो दोपहर के वक्त 2:30 बजे 3 बजे सन्नाटा होता था मॉलटोन में, बैल बजाई और भाग गए। ये तो मैंने भी किया। बैल बजाई और भाग गए। अच्छा, और फिर हम छुप के देखते थे अब कोई कौन आया बाहर। तो वो लोग बाहर आते थे और वो इधर उधर देखा और चले गए। तो कुछ अरसे के बाद मुझे एक नाम अभी तक याद है, एक डी ब्लॉक में ना एक बहुत बड़ी कोठी थी, उसके बाहर एक नाम अभी तक मुझे याद है, नाम लिखा होता था एक, अभी बोलेंगे तो उनको पता चल जाएगा। हाँ, उनको पता चल जाएगा। तो हम अक्सर औकात ना उनकी बेल बजा के, तो इस वक्त जो मॉलटोन पार्क है ना बहुत बड़ा, यहाँ पे पार्क नहीं था, यहाँ पे धूपसड़ी ग्राउंड थी, धूपसड़ी, सारे मॉलटोन का कचरा जो ना कचरा कुंडी थी, तो वो एक बहुत बड़ा मैदान था और उसमें सारा वो कचरा वहाँ पे फेंकते थे, और उस कचरे को ना कचरे के दरमियान में एक सीमेंट विकेट थी, वहाँ पे लोग क्रिकेट भी खेलते थे। तो हम वो बेल बजा के तो हम धूपसड़ी में भाग जाते थे। तो वहाँ पे कोई मैं पकड़ नहीं सकता था, क्योंकि जो थे ना शरीफ लोग उस धूपसड़ी में दाखिल ही नहीं होते थे, क्योंकि वहाँ पे ना आवारा कुत्तों की भरमार थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आवारा कुत्ते हमसे डरते थे। अच्छा, अब आवारा कुत्ते क्यों नहीं डरते आपसे? अभी आवारा कुत्ते इसलिए नहीं डरते कि अब हम शरीफ हो चुके हैं। तो वो उस वक्त मुझे ये मेरा ये ख्याल था कि ये सिर्फ एक शरारत है, लेकिन बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब कोई आप किसी के घर की बेल बजा के भाग जाता है और घर वाले जब बाहर आते हैं और उनको कोई नज़र नहीं आता, तो वो समटाइम्स इग्नोर करते होंगे, समटाइम्स जब बार बार ये काम होता है तो वो खौफजदा हो जाते हैं, पता नहीं कोई थ्रेट तो नहीं है। तो अब आज की सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि ये शरारत बहुत ही ख़तरनाक है, तो इसलिए नहीं करनी चाहिए, ना आपको ना मुझे। किसी ने खबर लगवाने के लिए या हटाने के लिए आपको रिश्वत ऑफर की, और अगर की है तो उसका नाम बताइए। वैसे इस तरह के वाकयात मेरी ज़िंदगी में बहुत कम है, लेकिन एक वाकया था जब परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही थी, 2007 की बात है, तो उस वक्त हम लॉयर्स मूवमेंट में शामिल थे, मेरे पे अभी पाबंदी नहीं लगी थी, मेरा प्रोग्राम अभी चल रहा था, तो मुझे मुशर्रफ साहब के एक करीबी मुशीर थे, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा इफ्तिखार चौधरी के ख़िलाफ़ सिर्फ एक प्रोग्राम करना है तो 15 करोड़ रुपये का तुम्हें फ़ायदा होगा। मैंने कहा जी नहीं, मुझे नहीं 15 करोड़ चाहिए। उन्होंने कहा तुमने कुछ नहीं करना, बस शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दो, मैं तुम्हें गैस का कोटा दूंगा और यहीं पे वो मैं बिकवा दूंगा और तुम्हें मैं चेक दूंगा, तो जायज़ है, बिल्कुल बिजनेस है ये। अच्छा। मैंने कहा जी ये किस तरह का बिजनेस है कि मैंने सिर्फ शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी है और आपने मुझे कागज़ देना है, फिर वो कागज़ में मैंने वो कोटा किसी और को बेच देना है और मुझे आपने 15 करोड़ का चेक दे देना है। उन्होंने कहा बेटा तेरे इस्लामाबाद कार ले ली बस। अच्छा।
तो मैंने कहा नहीं जी, मुझे मुझे शुक्रिया मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छा तुम इस तरह करो, तुम जाओ ज़रा, तुम सोच लो, दो घंटे बाद आना मेरे पास। तो मैं वो गाड़ी लेकर निकला जब वहाँ से, तो मैं इतना ज़्यादा वो परेशान था कि यार ये इस मुल्क का क्या बनेगा कि एक प्रोग्राम के 15 करोड़ दे रहे हैं 2007 में। तो मैं गाड़ी जाके ना वो एक ट्रैफिक सिग्नल में मार दी। अच्छा, इतनी मुझे स्ट्रेस, यानी कि इतना मैं शॉक्ड था। अच्छा। कि ये इस मुल्क के हुक्मरान जो हैं वो कर क्या रहे हैं कि मुझसे एक प्रोग्राम के मुझे 15 करोड़ देने के लिए राजी हैं ये। तो उनके पास कितने पैसे होंगे और ये कितने लोगों को खरीद रहे होंगे। फिर ये होता था कि जब भी कोई बंदा टीवी पे मुझे बोलता नजर आता था ना मुशर्रफ के हक में, तो मैं सोचता था इसने पैसे खाए हैं। अच्छा मीर साहब, अपने कोई से 4 अच्छे दोस्तों के नाम बताएं और वजह भी बता दें कि उनकी किस अच्छी आदत की वजह से आपकी दोस्ती अब तक चल रही है। यकीनन 4 दोस्तों के नाम तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन जो दोस्त होता है ना उसके साथ दोस्ती की वजह उसकी अच्छी आदत नहीं होती। अच्छा। और हो सकता है कि आपके कुछ दोस्त ऐसे हों जिनमें एक भी अच्छी आदत नहीं है, लेकिन वो आपके दोस्त हैं। ये बात आपने सही बोली, जैसे हम कहते हैं ना दोस्त तो ऐसा ही होता है। तो नाम मैं बहुत से ले सकता हूँ, लेकिन अब अगर मैं उनकी अच्छाई तलाश करने की कोशिश करूँगा या वो मेरे में कोई अच्छाई तलाश करने की कोशिश करें, तो मुझे यकीन है ना उनको मेरे में कोई अच्छाई मिलेगी। लेकिन हम एक दूसरे के दोस्त हैं। नाम कोई बेस्ट फ्रेंड जो आपको लगता है कि भाई लाइफ टाइम थ्रू आउट चल रही है आपकी दोस्ती और बिल्कुल कोई ब्रेक नहीं था बीच में? बहुत दोस्त हैं। देखिए कॉलेज के ज़माने से मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो फिर जर्नलिज्म में भी आ गए, और फिर जब मैं मिड 90s में लाहौर से इस्लामाबाद चला गया तो उनमें से कुछ दोस्त इस्लामाबाद में आ गए, कुछ लाहौर में रह गए, लेकिन मेरी दोस्ती जो है वो चल रही है बहुत से लोगों के साथ। अब उसमें हो सकता है कि मैं कुछ दोस्तों के नाम लूँगा तो आपको बड़ी हैरानगी हो, लेकिन मेरे दोस्त जो है ना वो उनको मैं अपनी उनकी तमाम तर खामियों और उनकी खूबियों के साथ मैं उनके साथ चल रहा हूँ। और कभी कभी मुझे ये हैरानगी होती है कि यार मैं अभी तक इनके साथ अभी तक ये मुझे टॉलरेट करते हैं। ये मुझे टॉलरेट करते हैं, वो समझते हैं कि यार ये अभी तक हमें टॉलरेट कर रहा है। तो उसमें बहुत से दोस्त हैं मेरे, मसलन आमिर मतीन है, इसी तरह सुहेल वड़ाई साहब हैं, ठीक है, तो इसी तरह बहुत से मेरे काशिफ अब्बासी है, वो एक राइवल चैनल में है, लेकिन हमारी दोस्ती आपस में चलती रहती है। तो बहुत दोस्त हैं मेरे इस तरह के, लेकिन अक्सर दोस्त ऐसे हैं जो उम्र में मेरे से बहुत बड़े हैं और कुछ दुनिया से जा चुके हैं और कुछ समझते हैं कि वो अनकरीब चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। अच्छा, अपने बुज़ुर्ग दोस्तों के बारे में कुछ बताइए। बहुत हैं, वो ज़्यादा हैं वो ज़्यादा हैं। मेरे जो एज फैलो दोस्त हैं वो कम हैं, बुज़ुर्ग दोस्त ज़्यादा हैं। मसलन जो अताउल्लाह कासमी साहब हैं, तो जब मैंने कॉलम नगारी शुरू की तो वो कासमी साहब उस वक्त भी बहुत बड़े कॉलम नगार थे, आज भी बहुत बड़े कॉलम नगार हैं। तो मैंने अभी कॉलम नगारी शुरू किए मुझे 2-2.5 साल हुए थे, तो एक इंटरव्यू में किसी ने कासमी साहब से कहा कि आपका पसंदीदा कॉलम नगार कौन है, उन्होंने कहा हामिद मीर, और मैं उस वक्त ना 3 में थे ना 13 में था। मैं परेशान हो गया, कासमी साहब के पास चला गया, कासमी साहब मैं थोड़ा तो फेवरेट कॉलम नगार हो गया। मैं क्या मीर साहब, मैं 10 साल अगे की गल कर रहा। अच्छा, प्रेडिक्शन की। तो कुछ साल के बाद जब मुझे APNS अवार्ड मिला बेस्ट कॉलमिस्ट का, तो कासमी साहब ने कहा ये क्रेडिट मुझे जाता। मैंने कबल इस वक्त पेशीन गोई करी। इसी तरह और भी मेरे बहुत से दोस्त हैं, लेकिन मैं 3 नाम ऐसे लेना चाहता हूँ बुज़ुर्ग दोस्तों के जो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने बेलौस तरीके से न सिर्फ ये कि मुझे गाइड किया और मेरी बड़ी मदद की और हमेशा मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े हुए। सबसे अहम थे उसमें अहमद बशीर साहब, फिर थे उसमें निसार उस्मानी साहब और हमारे प्यारे मुन्नू भाई, वो सब के प्यारे थे। ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ जो दोस्ती थी मेरी
दोस्ती भी थी और बुज़ुर्ग भी थे, और दो आदमी ऐसे थे जिनके साथ मैं दोस्ती का दावेदार नहीं हूँ, लेकिन मेरा उनके साथ उस्ताद और शागिर्द वाला रिश्ता था। एक हबीब जालब साहब और एक अहमद फराज साहब। तो अक्सर औकात मुझसे लोग पूछते हैं, यार ये तुम हर वक्त जो है ना ये लड़ाई के मूड में रहते हो, इसकी क्या वजह है? तो मैं अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि यार वो जो वक्त मैंने गुजारा ना हबीब जालब के साथ और उनको उस मोटरसाइकिल को साथ लेके फिरता रहा हूँ, तो उनके बहुत से जरासीम मेरे में दाखिल हो गए। तो जालब साहब से हमने मज़ाहमत सीखी और अहमद बशीर और निसार उस्मानी और मुन्नू भाई से हमने सहाफ़त सीखी।